Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you are fine and good. Unit number 14, current electricity, numerical questions. Numerical number 1, jisme hame ek electric heater ki resistance di hui, that is 15 ohms. When the current is in it is 2 ampere, jab hame current bata raha hai, that is 2 ampere. So humne kya karna hai, we have to find the voltage required to produce the current. Humne voltage find karni hai. So sabse pehle humne given data likhna hai, that is R is equals to 15 ohms. Ye humne unit hai hamare paas resistance ki ohm. Then in second we have to write the current. Current ke liye hum kya representation hai, I, and that is 2 ampere. A for ampere. Then voltage hamare paas humne find out karni hai. So from the ohms law, V is equals to IR. अब हमारे पास I की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज 2 एम्पीयर्स, एंड हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, दैट इज 15. सो पुटिंग द वैल्यू एंड मल्टीप्लाइंग इट, वी गेट द 30 वोल्ट. वोल्टेज है ना, वोल्टेज के लिए वोल्ट्स आ जाता है. मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2, जो कि हमारे पास इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन अक्रॉस अ लेंथ ऑफ वायर हैविंग द रेजिस्टेंस, कहता है सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है. देन हमें लेंथ दी हुई है एक वायर की, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दैट इज 1 मीटर. ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें रेजिस्टेंस दी हुई है. रेजिस्टेंस कितनी है, 3.1 ओम. कितनी है बच्चों, 3.1 ओम. फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द करंट इन अ वायर, हमने करंट फाइंड आउट करना है. ठीक, वही वाली इक्वेशन जो हमने ली थी, मींस ओम लॉ की इक्वेशन, V इज इक्वल टू IR, वो हम लेंगे. अब हम इक्वेशन को अरेंज कर देंगे. हमने क्या फाइंड करना है, I फाइंड आउट करना है. जो चीज हमने फाइंड आउट करनी होती है, हम उसे अकेला कर देते हैं, तो हम उसे इक्वेशन की एक साइड पे ले आएंगे, और R हमारे पास यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो द इक्वेशन विल बिकम I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R. V की वैल्यू क्या है बच्चों, 10, एंड R हमारे पास है 3.1. So, multiplying the, dividing the values, we will get the answer, that is 3.22 ampere. ठीक? अब हमारे पास है question number 3. Question number 3 में क्या कहता है? What resistance would have a 15 milliampere current? हमने क्या find करना है? Resistance find out करना है. कहता है, what resistance? कि क्या resistance होगा? जब आपके पास current है, कितना? 15 मिली एम्पियर. मिली फॉर 10 एस पार माइनस 3 होता है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे मिली को 10 एस पार माइनस 3 लिखेंगे. ठीक, और 7 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ 9 वोल्ट. कि हमने उसे क्या किया, वोल्टेज बैटरी के साथ लगाया, और हमारे पास बैटरी की वोल्टेज क्या है, 9 वोल्ट है. ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. सेम फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू IR, मींस दैट ओम्स लॉ. ओम्स लॉ को हम अब अरेंज कर रहे हैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. तो जब हम रेजिस्टेंस के लिए से करेंगे, तो इट विल गेट R इज इक्वल्स टू VI. ठीक है, हमने वैल्यू पुट करनी है. हमारे पास V की वैल्यू क्या है बच्चों, 9, और हमारे पास I की वैल्यू क्या है, 15 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 माइनस 3. तो हमने क्या किया, 9 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6, और साथ हमारे पास 10 पावर माइनस 3 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जब हमारे पास नॉमिनेटर में चली जाएगी, तो उसके साथ से माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 7 ओम. ठीक, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 एस पावर माइनस 3, 10 एस पावर 3, 3 जीरो. तो जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 600. सो रेजिस्टेंस इज 600 ओम्स. अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि हमने एक सर्किट लेना है. सर्किट में हमारे पास 3 रेजिस्टर है. ठीक, जो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस है 250 ओम्स. जो सेकंड रेजिस्टर है, उसकी रेजिस्टेंस है 150 ओम, एंड जो थर्ड है, उसकी 350 ओम है. हमने क्या करना है, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना है. पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद वो कहता है कि हमारे पास बैटरी है, बैटरी की वोल्टेज क्या है, 24 वोल्ट. ठीक, हमने क्या बताना है बच्चों कि हमारे पास टोटल करंट सप्लाई कितना हो रहा है फ्रॉम द बैटरी. सो हम सबसे पहले रेजिस्टेंस लिख देते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, 250, 150 एंड 350, राइट. फिर हमारे पास वोल्टेज कितनी है, हमारे पास V से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 24. फाइंड क्या करना है, हमने करंट फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास करंट जो हमने कम्बिनेशन की, दैट इज व्हाट, पैरेलल कम्बिनेशन है. तो हमने जो तीनों रेजिस्टेंस लगाए हैं, उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है.
सो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय आर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर 2 1 डिवाइडेड बाय आर 3, हमारे पास ये फॉर्मूला है ओके पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए. अब हमने रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 की वैल्यूज पुट करेंगे. जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पॉइंट में थी ना, पॉइंट हट गया, पॉइंट के बाद जीरो है, इट डजंट मैटर्स राइट. अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम लिया. एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 74 ओम्स. अब हमने क्या करना है, वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स ला. यहाँ पे I को फाइंड करना है तो हम दोबारा से इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R. ठीक, अब हमारे पास V की क्या वैल्यू है, 24 जो हमारे पास ऊपर गिवन है, दैट इज हियर V इज इक्वल टू 24 और R हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज 74. जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर लेके आएंगे, डिवाइड करेंगे तो विल गेट द आंसर I इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर. Now we have question number 5. Question number 5 में वो क्या कहते हैं कि हमारे पास हेयर ड्रायर है जिसके हमारे पास एनर्जी पार है 1875 वॉट्स. हमें कैसे पता चला बच्चों ये एनर्जी दी हुई है, कि हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या होती है, वॉट्स में होती है ना. सो दैट्स वाई हमने कहा ये पार की यूनिट हमारे पास वॉट्स में होती है तो हम क्या कहते हैं ये हमारे पास पार है. देन एनर्जी की यूनिट मैंने आपको क्लास में बताई थी जाउल्स होती है, पार की यूनिट हमारे पास वॉट होती है. ठीक, अब हमारे पास कहता है कि व्हेन ऑपरेटिंग ऑन बैटरी की वोल्टेज है 120 वोल्ट, हमने क्या बताना है, व्हाट इज द करंट. पार्ट ए आ गया कि हमने करंट बताना है. अब हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट बी है, इफ द हेयर ड्रायर इज यूज फॉर 3 मिनट्स, क्या हम हेयर ड्रायर को कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, 3 मिनट्स के लिए. हमारे पास टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है ना, तो हम क्या करेंगे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे. फॉर चेंजिंग दैट हम क्या करते हैं 3 × 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 सेकंड आ जाएंगे. अब दूसरे पार्ट में वो क्या कहता है कि हाउ मच एनर्जी डिड इट कंज्यूम, कि वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है. फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, हमने करंट बताना है. और सेकंड पार्ट में वो हमें कहता है हमने क्या बताना है, एनर्जी बतानी है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है. सो फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे हमने P इज इक्वल्स टू आई वी हमारे पास मेन आ गया फॉर्मूला. अब हमने करंट के लिए इसे रीअरेंज करना है तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू पी वी, आई वी मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे आके डिवाइड हो गया एंड पी वी. Got it? अब हमारे पास P क्या है, P की वैल्यू क्या है 1875 और हमारे पास V की वैल्यू क्या है 120. ठीक है बच्चों, अब हमने जब इसे डिवाइड किया करंट है तो 7 एम्पियर आ गया, we got the result. अब हमारे पास सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं ना. एनर्जी के लिए E इज इक्वल टू P क्रॉस T, तो हमारे पास P की वैल्यू क्या है, यू कैन गेट फ्रॉम हियर 1875 और हमारे पास t कितना है 180 seconds. ठीक है, जब हम इसे पुट करेंगे विल गेट द इक्वेशन आंसर. आप लोग अपने पास कैलकुलेटर में ये कैलकुलेशंस करें और जिससे नहीं होती यू विल डिस्कस एंड यू हैव टू डिस्कस कि आया हमसे ये आंसर नहीं आता तो हम क्या करें, कैसे कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास ठीक से आंसर आए. ठीक है बच्चों, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है आ बैटरी विद EMF इज 12 वोल्ट, कि हमारे पास बैटरी है और बैटरी का EMF कितना है, 12 वोल्ट है. हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस है 545 ओम्स. ठीक बच्चों, पहली चीज हमारे पास क्या आएगी, EMF जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक, वो होगी 12 वोल्ट. दूसरी हमारे पास है रेजिस्टेंस दैट इज 545 ओम्स एंड देन वी हैव द टाइम, कि हमारे पास टाइम जो गिवन है वो कितना है 65 सेकंड्स है. हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड, कि हमारे पास एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू पी क्रॉस टी. ठीक, तो हमारे पास P तो नहीं ना गिवन, यहाँ पे देखे पी गिवन है, पी नहीं गिवन, तो हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए इसमें पहले वी की वैल्यू पी की वैल्यू निकाली है. फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, ये हमारे पास पार वाले इलेक्ट्रिक पार वाले टॉपिक से हमने लिया है दैट इज पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, तो वहां पे हमारे पास जब ये फॉर्मूला आ जाता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया,
वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और साथ हमारे पास क्या है, टी है। अब हमने क्या किया, वी क्या है, 12 है तो स्क्वायर है, तो हम उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, 545, एंड हमारे पास टाइम कितना है, 65। गॉट इट बच्चों? जब हम इन वैल्यूज को, पहले आपने क्या करना है, 12 का सबसे पहले कैलकुलेटर पे आप 12 का स्क्वायर लोगे, 144 आएगा, फिर आप उसे डिवाइड करोगे 545 के साथ। आपके पास जो आंसर आएगा ना, उसे फिर आपने 65 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सो यू कैन गेट द आंसर। और फिर हमारे पास एनर्जी की यूनिट क्या है बच्चों, जाउल्स है। क्लियर? नाउ लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बताई हुई है। किस हिसाब से बताई हुई, किलो वाट पर और के हिसाब से, जो हमारे पास मीटर रीडिंग होती है, मीटर पे जो घंटों के हिसाब से जो इसकी कॉस्ट होती है, हमने मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ा था उस टॉपिक, उसका लास्ट टॉपिक है ये। तो उस हिसाब से हमें बता रहा है कि हमारे पास हर घंटे की जो कॉस्ट है वो है 18.11, ठीक है, 8 रुपए 11 पैसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि वो कहता है कि हमारे पास 2 पंखे चल रहे हैं जो कि है 160 वॉट के, और 4 जो है वो बल्ब चल रहे हैं, और हर बल्ब हमारे पास 100 वॉट का है, और ये सब कुछ कितने टाइम के लिए हो रहा है, 6 और के लिए, क्योंकि ये स्कूल है। हमने ये बताना है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है, व्हाट इज द कॉस्ट, जो हमारे पास कॉस्ट किसकी, ये तो हमारे पास इंडिविजुअल एक यूनिट की कॉस्ट बताई है ना, कि आपके पास एक यूनिट कितने पैसे हैं। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जब आपके पास इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो तब आपके पास कितने पैसे बनेंगे, तब आपका बिल कितना आएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपने बता देना कि आपके पास कितना रेट है, मीन्स एक यूनिट का रेट कितना है, वो हमने लिख दिया। देन हमने बताना है कि हमारे पास जो पावर यूज हो रही है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 फैंस यूज कर रहे हैं, और उसकी हमारे पास कितने वॉट्स हैं, 160 वॉट्स हैं, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 320 वॉट्स आ जाएंगे। इसे हम कह देते हैं पावर 1। इसी तरह पावर 2 जो है वो हम ले रहे हैं 4 बल्ब्स की, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 400 वॉट्स आ जाते हैं। हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, टोटल पार लेने के लिए P1 और P2 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास 720 वॉट्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास इसको हम चेंज कर रहे हैं, 720 वॉट्स को हम किलो वॉट्स में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमें किलो वॉट्स में इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं कि हम किलो मीन्स 10^3 होता है, तो हम इसे 10^3 जब 3 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 0.720, ठीक, साथ हमारे पास 10^3 वॉट आ जाएगा। हमारे पास फिर हम 3 को हटा के, 10^3 को हटा के किलो लगा देते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट चीज है वो क्या है, टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या है, 6 आवर्स। तो हमने फाइंड क्या करना था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ई क्रॉस एनर्जी, व्हाट इज ई एनर्जी क्रॉस रेट, कि हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं उसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं रेट के साथ। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पार क्रॉस टाइम, कि हमारे पास पार इंटू टाइम लेते हैं तो हमारे पास एनर्जी आती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एनर्जी की जगह पार की वैल्यू डाल देंगे, पी क्रॉस टी, और साथ रेट डाल दिया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पार कितनी है, 0.720, ठीक, और दूसरा हमारे पास टाइम है, दैट इज 6 आवर्स, और साथ हमारे पास रेट कितना है, 8.11। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है, 35 आवर्स हमारे पास इतना जरूरी है, क्योंकि हम इसे ऊपर भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जब आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पे भी अर्स बताया हुआ है, ठीक है, मतलब ये पाकिस्तानी पैसे की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इज 35 आवर्स का, 35 रुपीज का हम कॉस्ट यूज करें। क्लियर है बच्चों? अल्लाह हाफिज, एंड मेक इट श्योर कि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप वो पूछें, ठीक है, अल्लाह हाफिज।